नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेंद्र शर्मा, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में। आज एक बार फिर आप सबके साथ एक महत्वपूर्ण और छोटी सी जानकारी देने के लिए अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसका हमारे बॉडी में कोई खास यूज़ नहीं है, लेकिन परेशान बहुत कर सकता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक फिंगर या उंगली तरह ये लटका हुआ होता है और इसमें कॉमनली इन्फेक्शन हो जाता है। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस, और इसका मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है दर्द पेट में राइट साइड नीचे की तरफ, राइट लोअर एब्डोमेन में पेन अपेंडिसाइटिस का। एज के हिसाब से ये बच्चों में कॉमनली हो जाता है, कोई खास स्पेसिफिक एज नहीं है, बड़ों में मिल सकता है, बूढ़ों में मिल सकता है। जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि गलतफहमियां बहुत हैं। एक, डॉक्टर के ऊपर विश्वास, और दूसरा, इलाज क्या होना चाहिए, क्योंकि अपेंडिसाइटिस एक ऐसी क्लिनिकल डायग्नोसिस बीमारी है जो सर्जन तुरंत पेट पे हाथ रख के 90% डायग्नोसिस कर लेता है कि जो पेन का कैरेक्टरिस्टिक है ये अपेंडिक्स में इन्फेक्शन का है, तो वो बता देता है कि इसमें इन्फेक्शन है और इसके लिए सर्जरी होनी चाहिए। तो एकदम से कई बार पेशेंट उसको मान नहीं पाते, उनको लगता है कि ऐसी क्या बात हो गई, डॉक्टर साहब ने सर्जरी बता दी। कन्फर्म करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, आप ब्लड टेस्ट करवा कर इन्फेक्शन का रेट देख सकते हैं, TLC काउंट कहते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, और अल्टीमेटली CT स्कैन जो कि एक तरह से 100% डायग्नोस्टिक होता है। समझने वाली बात यह है कि अपेंडिसाइटिस का एक ही माकूल इलाज है और वो है सर्जरी। ऑपरेशन करके इस अपेंडिक्स को निकाल दीजिए, ये एक रूटीन रेगुलर सर्जरी है। अगर समय से हो जाए तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। एक तरह से आपको सिर्फ एक दिन के लिए भर्ती होना है, दूरबीन विधि से सर्जरी होती है, 3 छोटे छोटे छेद होते हैं और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप मिस कर जाते हैं डर के मारे, अविश्वास के मारे, और इसको पोस्टपोन कर देते हैं 2 या 3 दिन, तो उसके बाद बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। जहाँ पर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है वहाँ पर छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह चिपक जाती है, वो वहाँ पर गांठ बना लेती है, लंप बना लेती है, जिसकी वजह से सर्जरी करना एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। और ऐसे केसेस में मजबूरीवश पहले हैवी एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं, 4 से 5 दिन अस्पताल में खाली पेट रखा जाता है, IV फ्लूइड्स चलाए जाते हैं, और फिर अगर भगवान की दया से इस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाता है तो फिर 4 से 6 हफ्ते बाद सर्जरी करना एडवाइस करते हैं और रिमूव करना होता है। कभी कभी ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल भी हो जाता है, अपेंडिक्स फट सकता है, उसका पस पूरे पेट में फैल सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। तो आज का मेन मुद्दा और बताने का और विषय यही रहा कि अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस पर अविश्वास ना करें। अगर आपको लगता है कि सर्जन कुछ कह रहा है तो डायग्नोसिस के लिए आप अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन करवा सकते हैं, और एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो कोशिश करें कि 24 से 48 घंटे के अंदर सर्जरी हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका हमारे शरीर में कोई खास रोल नहीं है। इसको निकलने के बाद भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी, हर प्रकार का खान पान सब नॉर्मल रहता है, तो उस विषय में बिल्कुल चिंता ना करें। रेगुलर सर्जरी है, दूरबीन विधि से होती है, सुबह भर्ती हुए, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हुए और कॉम्प्लिकेशन से बच गए, और कॉम्प्लिकेशंस से हमेशा ही बचना चाहिए। बस यही जानकारी अपेंडिक्स के बारे में, मैं उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदा रहेगा। नमस्कार, थैंक यू।